सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा 20 रूम में कैसे आप यूएसबी हब बना सकते हो। मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, उस पर ये यूएसबी फीमेल पोर्ट रख के ये मार्किंग कर लूँगा और इसको काट लूँगा मैं। तो ये यूएसबी पोर्ट मैंने कैसे लिया है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके घर में ख़राब चार्जर पड़े होंगे या फिर कोई कबाड़ी वाले से आप 10-20 रुपये में खराब, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको कट कर लिया है ऐसे और अब मैं इसके अंदर फिट करने जा रहा हूँ। गाइस मैंने पूरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में बनाई है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होए। छोटी सी वीडियो है, पूरा देखेगा शुरू से लेकर एंड तक ताकि आपको ये समझ आएगी कैसे बनाना है। तो देख सकते हैं जैसे कि आप मैंने इन सबको पूरी तरह से कर दिया है और अब इस पर ग्लू गन लगा दूंगा। मैंने एक स्विच भी लगा दिया है ताकि इसको ऑन ऑफ किया जा सके। अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो सॉरी, मैंने ग्लू गन लगा दिया है जल्दी से फटाफट से। अब हमारे तीनों पोर्ट्स फिट हो चुके हैं अच्छी तरह, देखिए ऐसे ग्लू गन मैंने लगा दिए। अब मैं इसकी वायरिंग बताता हूँ। वायरिंग हमें जो यूएसबी हमने एक ही लाइन में लगाई है उल्टी एक ही तरह से, तो हमें सीधा सीधा सारे टर्मिनल्स को एक दूसरे से लाइन में कनेक्ट कर देना है। मैंने कॉपर वायर लिए इस काम के लिए, आप कोई भी वायर ले सकते हैं जैसे मैंने ये कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी वायरिंग कर दी है। अब हम इसमें एलईडी लगाएंगे। मैंने ग्रीन एलईडी लिए और उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे एक 1K का रजिस्टर लगा दिया है। अब हम इसके कनेक्शंस करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने वायर्स पे सोल्डरिंग पेस्ट लगा के सोल्डर कर दिया। पॉजिटिव लाइन मैंने स्विच में डाल ली है और स्विच की दूसरी तरफ एलईडी और पॉजिटिव का वायर लगा दिया यूएसबी पोर्ट्स का। अब मैं माइनस के पोर्ट में ये एलईडी लगा दूँ। सो गाइस अब हमारी एलईडी ऐसे लग चुकी है। अब हम इसमें ग्रीन और वाइट कनेक्शन करेंगे। ब्लैक में उस तरफ टर्मिनल पर कनेक्शन कर दिया है पहले से ही। तो देखिएगा आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे कनेक्शन करने हैं। अगर आपको मुश्किल हो तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो यूएसबी कनेक्शंस, वहाँ आपको सारे से कनेक्शंस मिल जाएंगे आराम। सो गाइस हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं, बस हम ग्लू गन लगा के अपने यूएसबी केबल को और सब चीज़ों को अच्छी तरह अटैच कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल अटैच कर लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, अब मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है, इसको ऐसे काट के मैं इधर चिपका लूँगा ताकि ये एक फ्रेम टाइप का बन जाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे चिपकाना है, देखते जाइए आप। वीडियो पूरी एंड तक देखना और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो मतलब आप इस मेरे चैनल में इंटरेस्टेड है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए आगे मैं इसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड का पीस काट के लगा रहा हूँ जिससे कि ये बिल्कुल सील पैक हो जाए। तो गाइस अब हमारा ये लग चुका है। गाइस हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा ग्लू गन लगा रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरह पैक हो जाए और कभी खुले ना। गाइस हमारा पूरा तैयार है, मैंने कोने से इसको पैक कर दिया है। अब मैं आपको ओटीजी लगा के फोन में चला के दिखाऊंगा। इसको मैंने ऑन कर दिया है, देख सकते हो जैसे हमारी इसमें ग्रीन लाइट जो हमने लगाई थी वो जल गई है।